हेलो एवरीवन, श्री वेंकटेश्वर आर्ट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं अलका। आज मैं एक और नए वीडियो के साथ आपके सामने हूं। आज का वीडियो है वट सावित्री का पूजा। वैसे ये पूर्णिमा और अमावस्या के टाइम में किया जाता है। आज से 15 दिन पहले नॉर्थ में किया गया था और महाराष्ट्र में आज के दिन करते हैं। आज का दिन 24 जून में महाराष्ट्र में जब किया जाता है उसी दिन वाला पूजा मैं करती हूँ। कारण ये है क्योंकि मैं शुरू भी वहीं से की थी, तो उसी डेट के अनुसार मैं करती हूँ। तो फिर चलिए देखते हैं आज का पूजा कैसा है मेरा और क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, ये पूरा मैं विधि के साथ आपको दिखाने वाली हूँ। ये वीडियो पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिए, मिस मत करिए। इस पूजा का विधि विधान में कोई गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आज के दिन जल्दी उठकर सर से नहाकर और स्वच्छ कपड़े, धुले हुए कपड़े पहनना है। अगर है तो नए कपड़े पहनते हैं, लाल या पीले रंग का, बट ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास ब्लू कलर का साड़ी था तो मैंने पहन लिया है। अब उसके बाद सभी पूजा के सामग्री मैंने एक जगह तैयार कर लिया है। पूजा की सामग्री में हमें अक्षत चाहिए, श्रृंगार का सामान, आम, कोई भी मौसमी फल ले सकते हैं, मिठाई, पर मैं घर पे ही प्रसाद बना रही हूँ, और रोली लेंगे और कच्चा धागा रहेगा। लाल कपड़ा है तो ठीक है, नहीं तो कोई भी आप नया कपड़ा ब्लाउज पीस ले सकते हैं। नारियल और पान, सिंदूर और भिगोए हुए काले चने, और दुर्भा घास में रहे तो और अच्छी बात है। सुपारी तो रहता ही है पूजा में, और जल। फिर प्रसाद चढ़ाने के लिए मैंने यहाँ पे देखिए प्रसाद बना रही हूँ। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी। इसका वीडियो अभी और बनाने वाली हूँ, तो अभी प्रसाद मेरा बनकर रेडी हो जाएगा। मैंने पूजा का थाली सजाया था और वीडियो क्लिप मिस हो गया, इसलिए मैं ओरल में बता दी हूँ। अब मैं पहुँच गई हूँ पूजा करने के लिए। अब यहाँ पर रंगोली बना रही हूँ। देखिए कितना अच्छा यहाँ प्लेस मिल गया है मुझे रंगोली बनाने के लिए। शास्त्रों के अनुसार बरगद के पेड़ में देवी देवता निवास करते हैं कहा जाता है। बस वैसे ही बरगद के पेड़ की आराधना करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती कहते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता सावित्री भी अपने पति के प्राणों को यमराज से छुड़ाकर वापस ले आए थे, इसलिए इस व्रत को विशेष महत्व दिया जाता है। कहते हैं इस व्रत को रखने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यह व्रत ज्येष्ठ मास में किया जाता है। वैसे इंडिया में हर जगह अलग अलग त्यौहार मनाते हैं, बट डेट अलग अलग रहता है। जैसे अब ये पूजा महाराष्ट्र में 15 दिन के फर्क में किए हैं, और जून 24 को महाराष्ट्र में हुआ तो मैं वहीं से शुरू की थी, तो उसी को कंटिन्यू भी कर रही हूँ। वैसे आंध्रा में ये पूजा मैंने नहीं किया, महाराष्ट्र में थी तो वहीं शुरू की थी। अब देखते हैं पूजा का विधि। मैंने पहले रंगोली बनाया और कलश लिया हल्दी कुमकुम करके। कलश में जल ली हूँ, उसके साथ में अक्षत डाला मैंने। अब इसमें हम डालेंगे कॉइन, और प्लेट में चने ले लेंगे जो भिगोए थे हमने, और ऊपर में दिया जलाएंगे। मैंने घी का दिया लगाया है इस पर। अब दिया का पूजा करेंगे हम। हल्दी कुमकुम लगा रहे हैं और दिया प्रज्वलन कर दिया मैंने, और जल चढ़ाकर कुछ मंत्र पढ़ रही थी, और अभी पुष्प चढ़ा दिए, प्रसाद चढ़ाकर कलश पूजा हो गया है। अब बरगद का पेड़ को हल्दी कुमकुम चंदन लगा रही हूँ मैं। फिर गणेश जी और गौरी मैया और लक्ष्मी जी का पूजा करेंगे, उनको भी हल्दी कुमकुम करके तिलक कर रही हूँ। बहुत छोटे से मूर्तियों को हमने लिया है, इसलिए बहुत आराम से करना पड़ रहा है मुझे। अब मैंने पुष्प चढ़ा दिया है, बरगद के पेड़ पे भी हम पुष्प चढ़ा देंगे। अभी मैंने सामान साइड में रख लिया था, अब हम तांबूल चढ़ाएंगे, पान पत्ता, फल, और उसमें सुपारी रखा मैंने। जो मिठाई मैंने बना के लाया था अब उसे चढ़ा रही हूँ। प्रसाद नैवेद्य चढ़ा रहे हैं पुष्प के साथ। अब हम धागे को, कच्चे धागों के लेकर बरगद के पेड़ पे परिक्रमा करेंगे। वैसे हर बार बड़ा पेड़ के पास मैं पूजा करती थी, या मेरे घर पे था गमला, तो मैं परिक्रमा 108 बार लगाती थी। चना
हाथ में 108 चना लेकर परिक्रमा होता था, बट वैसे नहीं हो पाता है जगह नहीं होने से। कोई बात नहीं, आप धागा को लपेटते हुए 7 बार भी परिक्रमा कर सकते हैं या फिर 11 बार। अब मैंने आम चढ़ाया है। मौसमी फल में आम जरूर होता है, इस पूजा में आम को चढ़ाया जाता है और दान भी किया जाता है। अब मैं नारियल में हल्दी कुमकुम लगा रही हूँ। अब इसको भी नारियल मैंने चढ़ा दिया है, फोड़ कर इसका जल भी अलग कर दी हूँ और ये पंचामृत का काम आ जाएगा। अब इस नारियल को भी हम कुमकुम लगाकर हल्का सा मीठा गुड़ या शक्कर आप लगा सकते हैं। कहा जाता है कि खाली नारियल नहीं चढ़ाया जाता है, साउथ में नारियल फोड़कर चढ़ाते हैं और वही आदत मेरा है, तो मैं हमेशा पूजा कंप्लीट करती हूँ नारियल चढ़ाकर ही। अब हम हवन का सामान रेडी कर लिए हैं। मैं साइड में दिया जला रही हूँ। बहुत तेज़ धूप था, बड़ा मुश्किल हो रहा था हवन करने में। अब मैंने हवन कुंड में जल भी चढ़ा दिया है और ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मि वंदनां मृत्युमूर्छिमां स्वाहा। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मि वंदनां मृत्युमूर्छिमां स्वाहा। ॐ त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मि वंदनां मृत्युमूर्छिमां स्वाहा। अब मैं वस्त्र चढ़ाने वाली हूँ। मैंने वाइट और रेड कलर का कॉम्बिनेशन में लिया है। भगवान जी को वस्त्र चढ़ा रही हूँ हल्दी कुमकुम करके। वैसे लाल चुन्नी चढ़ाया जाता है बट मेरे पास अवेलेबल नहीं था, बाहर जाके नहीं ला पाई, तो नया क्लॉथ था मेरे पास तो मैंने यही चढ़ा दिया भगवान जी को। अब मुझे बहुत अच्छा लगा ये पूजा करके। अब हम धूप बत्ती जला लेंगे। बहुत तेज़ हवा भी चल रहा था धूप के साथ, तो बहुत जल्दी जल नहीं रहा था। मेरे हाथ में भी थोड़ा सा चिंगारी लग गया था। फाइनली जला दिया मैंने। अब धूप बत्ती दिखा देंगे पूरा भगवान जी को। अब हम इसके बाद भिगोए हुए चने चढ़ाएंगे प्रसाद में। मैं चने लेकर अब कथा सुनेंगे। एक राजा रानी थे और उनका एक बेटा, किसी कारण बस वो लोग का धन पूरा खत्म हो गया। जब खत्म हो गया और धीरे धीरे करके उनका राजपाट सब छिन गया और वो दोनों लोग अंधे हो गए। उनका एक बेटा था, उसका नाम सत्यमान था। वो अपना लकड़ी काट के किसी तरह माँ बाप का पेट भरता था, लेकिन उसकी आयु भी बहुत कम थी। ऐसा उनको ऐसा श्राप दिया गया था कि सब तुम्हारा धन भी चला जाएगा और बेटे की तुम्हारी आयु भी कम हो जाएगी। तो किसी तरह बड़ा होकर लकड़ी काट के लाता, लकड़ी काट के बेच के, तो क्योंकि जात का कुम्हार बड़ा ही था, तो अपना लकड़ी काट के अपना माँ बाप का पालन कर पेट का पालन कर रहा था अपना। और इधर एक राजा थे, उनकी कन्या बड़ी हो गई, तो शादी करने के लिए चिंतित थे उनके माँ बाप। तो उसने कहा कि मैं शादी तो एक सत्यवान से करूँगी, जो है गरीब है मैं, लेकिन वहीं करूँगी। तो अब किसी तरह उसकी शादी सत्यवान से हो गई। शादी हो गई तो जब उसको मालूम था कि हमारे पति की आयु अल्पायु है, तो जब धीरे धीरे करके वो रोज़ अपना लकड़ी काटने जाए, वो रोज़ खाना ना बना के देते। उस वो इतनी अच्छी लड़की थी कि उसे सब मालूम था कि मेरे पति की आज मौत है, तो इसलिए वो धीरे धीरे करके जो है क्या नाम, उसी दिन कहती हम भी चलेंगे। कहे तुम कहाँ जाओगी लकड़ी काटने मेरे साथ? नहीं, कहा मैं चलूँगी। चली गई। उसका ज़िंदगी का आखिरी दिन था लड़के का, तो उसने जो है अपना किस तरह से लकड़ी काटते काटते उसको चक्कर आए और वो नीचे गिर गया। तो सावित्री समझ गई कि इनकी मौत का टाइम आ गया, तो उसने अपनी गोदी में रखा और रोने लगी। तो सत्यवान से कहने लगी, सत्यवान जी सामने आओ, यमराज जी सामने आओ, और ऐसे नहीं सत्यवान को मेरे ले जा सकते हो। तो उसने कहा कि उनका तो फिर यमराज आए सामने, बोले कि तुम इनकी तो आयु पूरी हो गई है, इन्हें तो जाना पड़ेगा। तो उसने कहा कि ऐसे कैसे ले जाओगे, हम कैसे रहेंगे पति के बिना। तो कहें तो अच्छा बेटी तुम ऐसा करो, तुम अगर तुमको कुछ के जाने लगे तो ज़मीन में सर रख के उसको लटा के पीछे पीछे चल दी यमराज के। तो यमराज बोले बेटी ऐसे कैसे तुम आ रही हो मेरे पीछे, तुम थोड़ी जा सकती हो, हम केवल सत्यमान को ले जाएंगे। तो बोले नहीं, कहे तुम मुझसे कोई वर मांग लो। तो कहे ठीक है,
क्या तुम दे दो? कहें क्या दें बताओ, तुम जो बोल बागोगी हम तुम्हें दे देंगे। उन्होंने कहा मेरे माता पिता दोनों अंधे हैं, उनकी आँखें आ जाएँ। कहें ठीक है तथास्तु, तुम्हारी माता पिता की आँखें दोनों अच्छी हो, सास ससुर की आँखें अच्छी हो जाएंगी। फिर पीछे पीछे चलने लगी यमराज, फिर जाने लगे, फिर वो पीछे पीछे जा रही है। फिर बोले अब तुम क्यों पीछे पीछे आ रही बेटा? कहें अभी तो आपने अंधे, जब आँखें आ जाएंगी तो करेंगे क्या? तो उन्होंने फिर उसको राजा बना दिया, जब राजा बना दिया तो फिर वो पीछे पीछे जाने लगी। तो कहती जब राजा आपने जब सद्धन दे दिया, आँखें दे दी, अब वो बेचारे एक पोता देखना चाहेंगे तो हम कैसे उनको देंगे पोता? तो यमराज को तो कुछ आया नहीं, उन्होंने तथास्तु फिर बोल दिया। फिर वो पीछे पीछे जाने लगी तो कहते हैं कि अब बेटा तुम क्यों आ रहे? अरे यमराज जी, तुमने पोते का वर दे दिया, तुम पति को लिए जा रहे हो, अब कैसे पूरा होगा? तो फिर उसके बाद वो जो है यमराज को सत्यवान को देना पड़ा। और सत्यवान जब लौट के, फिर उन्होंने फिर तथास्तु बोला और उसके बाद लौट के जब आई तो अपने पति को उठाया, उठा के अपने घर के लिए चली। तो वहाँ पर उसकी माँ की आंखें भी ठीक हो गई थी और उनका राजपाट भी मिल गया था, वो अच्छी तरह रहने लगे दोनों लोग। सब लोग घर में सब लोग साथ साथ रहे, भगवान ने जैसे उनको अच्छे सब कुछ दिया, सबको मनोकामना, सबकी मनोकामना पूरी। मैं तेलुगु में एक आरती गाने वाली हूँ जो मैंने अपनी बहन के साथ बात करते हुए रिकॉर्ड किया है। सौभाग्य लक्ष्मी रावम्मा, सौभाग्य लक्ष्मी रावम्मा, मुदुट कुंकम रवि बिंबमुगा, కన్నుల నిండుగా కాటకవెలుగా, కాంచనహారము గణమున మెరియెల్ల పీతాంబరముల శోభల నిందగా, నిండుగా కరుముల బంగర గాజుల ముద్దుల లోకుల పాదముల లోపల, గలగల గలమణి సంవడి చేయగా, సౌభాగ్యవతుల సేవల నిందగా, నిత్య సుమంగళి నిత్య కళ్యాణి కురిపించే తల్లి, జనక రాజుని ముద్దుల కోమిత రవికుల సోమిని రమణి మణివై, సాధు సజ్జనుల పూజలందుకొని శుభమరణించడు దేవునివ్వగా, సౌభాగ్య లక్ష్మీ రావమ్మ అమ్మా, సౌభాగ్య లక్ష్మీ రావమ్మా, జయ గణేష్ జయ గణేష్ జయ గణేష్ దేవా మాతా జగీ। अब आरती कंप्लीट हो गया है, मैं भगवान जी को आरती देकर फिर हम सब आरती लेंगे। फिर कहा जाता है कि यम देवता ने सत्यवान के प्राण चने के रूप में वापस लौटाए थे। सावित्री ने इस चने को ही अपने पति के मुंह में रख दिया था, जिसे सत्यवान फिर से जीवित हो उठे। इसी वजह से इस दिन का बहुत महत्व है चने का। अब देखिए, बरगद के पेड़ में जो छोटा सा कोमल सा कली जैसा फूटता है, उसको अंदर से उसको ऊपर का छिलका जैसा निकाल कर अंदर जो गली जैसा होता है उसे और 11 चने को लेकर एक साथ निगला जाता है। बट मैं नहीं निगल पाती हूँ, तो बारीक से छोटे छोटे से मैंने 5 चने लिए हैं और वो कोमल सा कली ली हूँ और साथ में पानी ली हूँ। पानी के साथ उसे एक बार में ही एक फाक में ही लिया जाता है। बाकी सब तो कर लेते हैं बट मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैं इतना ही कर पाई हूँ। जितनी शक्ति उतनी भक्ति, तो हर बार यही होता है मेरा। बट हमेशा निर्जला करती थी, इस बार नहीं कर पाई हूँ क्योंकि वैक्सीन मुझे लगा था और फीवर था, सो मैं उपवास नहीं कर पाई हूँ। बस पूजा का समापन हो गया है और मैं बहुत खुश हूँ कि बहुत अच्छे से मेरा पूजा आंटी लोगों ने करा दिया है। और बस आप लोग भी इस पूजा का आराम से सुनिए, पूरा वीडियो देखिए और इस पूजा को करने की कोशिश कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। हमने देखा ना कितना अच्छे से विधि विधान से पूजा हो गया, हमने हवन भी जलाया है, आरती भी गाए हैं और हमारे साथ जो दो आंटियां थी उनके साथ मुझे पूजा करने में बहुत अच्छा लगा। एक आंटी ने बहुत अच्छा कहानी भी बताया। बोलते हैं बड़ों के साथ अगर
बैठकर कुछ किया जाए तो कुछ सीखने को मिलता है, तो इसलिए हमने आंटी के साथ ही पूजा कर लिया। और अभी ये जो गार्डन है, मैं इसका एक और वीडियो आपकी हूँ इस गार्डन का। ये आंटी अकेली मैनेज करती हैं और बहुत अच्छे से मेंटेन करती हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।